हे गाइस, आपका फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक रिक्वेस्टेड गाना सीखेंगे। बॉर्डर मूवी का गाना है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो उसे हम आज की इस वीडियो में अपने डिजिटल कीबोर्ड पे इजीली किस तरह से प्ले कर सकते हैं, तो यही सीखेंगे। दोस्तों, यह हमारा गाना बहुत ही लंबा है और इसलिए हमने इस गाने को दो पार्ट में डिवाइड किया है और ये हमारा पहला पार्ट है। और आपको इसी गाने का दूसरा पार्ट आपको ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों जगह मिल जाएगा। आप इस गाने को प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। और यदि आपको इस गाने का फुल पियानो नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले इस गाने में यूज हुए नोट्स हम देख लेते हैं। सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई और एफ शार्प। हम बस इतने नोट्स पर इस गाने को प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में आता है, इसे हम पहले देख लेते हैं। तो इसे हम छोटा छोटा पार्ट करके देखेंगे और चलिए देखते हैं पहला पार्ट। फिर से आगे, फिर से पूरे को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पर इसके बाद हमारा गाना स्टार्ट होता है, संदेशे आते हैं। देखते हैं पहला लाइन, संदेशे आते हैं, और एक बार हमें तड़पाते हैं इसी के जैसे ही है, और एक बार हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है, और एक बार तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, और एक बार वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। देखते हैं स्लो में कि घर कब आओगे। और एक बार कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे। फिर से स्लो में देखते हैं, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है, देखते हैं कि तुम बिन ये घर सोना सोना है, यहीं तक तो पहले सीख लेते हैं कि तुम बिन ये घर सोना, सुना है। स्लो में देखते हैं, और एक बार देखते हैं पूरे को, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
फिर से आता है संदेश से आते हैं, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, तो यहाँ इसे नहीं प्ले करते हैं। और इस तरह से हमारा कोरस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए हम इसके पहला वर्ड को देखते हैं और इसे भी पहले एक बार प्ले करके देखते हैं। पहला लाइन है किसी दिल वाली ने, और एक बार किसी दिल वाली ने। किसी मत वाली ने, और एक बार किसी मत वाली ने। हमें खत लिखा है, और एक बार हमें खत लिखा है। ये हमसे पूछा है, और एक बार ये हमसे पूछा है। आगे है किसी की सांसों ने, देखते हैं किसी की सांसों ने। और एक बार किसी की सांसों ने। किसी की धड़कन ने, बिल्कुल सेम है जो हमने सीखा किसी की सांसों में उसके जैसे ही है। और एक बार किसी की धड़कन ने। किसी की चूड़ी ने, और एक बार किसी की चूड़ी ने। किसी की कंगन ने, और एक बार किसी के कंगन ने। आगे है किसी के कजरे ने, पहले जो हमने सीखा संदेश से आते हैं उसी का पैटर्न पे है, तो देखते हैं किसी के कजरे ने। और एक बार किसी के कजरे ने। किसी के गजरे ने। और एक बार किसी के गजरे ने। महकती सुबह ने, और एक बार महकती सुबह ने। मचलती शामों ने, और एक बार मचलती शामों ने। आगे है अकेली रातों में, देखते हैं स्लो करके। अकेली रातों में, और एक बार अधूरी बातों में। और एक बार अधूरी बातों में। तरसती बाहों ने, स्लो में। और एक बार तरसती बाहों ने। और पूछा है तरसी निगाहों ने, फिर से और पूछा है तरसी,
निगाहों ने स्लो में और एक बार निगाहों ने फिर से देखते हैं और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, तो यहाँ इसे स्किप कर देते हैं और इस तरह से हमारा पहला वर्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम इसके दूसरे वर्स को देखते हैं और ये भी ऑलमोस्ट पहला वाला वर्स के जैसे ही है, तो इसे भी पहले एक बार प्ले करके देखेंगे और फिर बाद में हम धीरे धीरे सीखने का कोशिश करेंगे। देखते हैं मोहब्बत वालों ने फिर से मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने और एक बार फिर से हमें ये लिखा है फिर से हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है और एक बार कि हमसे पूछा है आगे है हमारे गांवों ने देखते हैं पहला लाइन हमारे गांव ने और एक बार हमारे गांव ने आम की छांव ने फिर से आम की छांव ने पुराने पीपल ने और एक बार पुराने पीपल ने बरसते बादल ने आगे है खेत खलियानों ने संदेश से आते हैं उसी के जैसे ही है, तो देखते हैं फिर से हरे मैदानों ने और एक बार हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने और एक बार बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने और एक बार झूमती बेलों ने आगे है लचकते झूलों ने फिर से दहकते फूलों ने बिल्कुल सेम जो अभी हमने सीखा और एक बार दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने फिर से और पूछा है गांव की गलियों ने फिर से और पूछा है गांव की
गलियों ने फिर से पूरे को देखते हैं और पूछा है गांव की गलियों ने, और फिर से आता है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा दूसरा वाला अंतरा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीख गए होंगे। और यदि आपको इस गाने का फुल पियानो नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग का लिंक चेक कर सकते हैं। और यदि आपको इसी गाने का आगे का पार्ट भी अगर आपको चाहिए तो आपको उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।